हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है बंसी एंड आशु ब्लॉग। तो दोस्तों, अक्सर हमारे किचन में से कुछ ऐसे वेस्ट निकलते हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। ऐसा उस वेस्ट का हम ऐसा यूज़ करें जिससे कि हमारे कुछ काम भी आ जाए और हमारा कुछ पैसा भी बच सके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे सिंपल से हैक्स। तो सबसे पहला हैक है, जो हमारी पुरानी टूथब्रश होती है उनको हम क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली उसे कॉर्नर पे जहाँ पे मोटी वाली ब्रश काम नहीं आती है। बट ये जो पतली वाली ब्रश होती है, टूथब्रश होती है, इसे हम बहुत अच्छे से क्लीनिंग में काम आ सकती है। तो नई टूथब्रश लेने से अच्छा है कि हम अपनी पुरानी टूथब्रश में ही को ही काम में लाएं, जिससे हमारा कुछ पैसा भी बचेगा और फिर एनवायरनमेंट को भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम नई टूथब्रश नहीं खरीदेंगे तो हमारी जो पुरानी वाली टूथब्रश है उसी से काम आ जाएगा। और इसे ना बहुत अच्छे से जो हमारी किचन की क्लीनिंग है ना, बहुत अच्छे से हो जाती है ऐसी जगह पर जहाँ पर मोटी वाली ब्रश नहीं पहुँच पाती, कोने कोने में ये वाली ब्रश जो है पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आप देखते हैं अगला है, कई बार हमारे घर में प्लास्टिक्स आते हैं, जैसे कि ग्रोसरी आती है, सर्फ के पैकेट आते हैं और भी चीज़ें ग्रोसरी में आती है जो प्लास्टिक भी आते हैं, हम उनको खाली करने के बाद फेंक देते हैं। उनको भी हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, इनको हम अपने डस्टबिन में गार्बेज बैग की जगह पर लगा सकते हैं। तो इस तरह हम खाली पैकेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं और किचन के गार्बेज को भी डालने के लिए ये काम आ जाता है। तो दोस्तों, अगला हैक है, गर्मी के मौसम में अक्सर चीनी के बॉक्स में चींटियां आ जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप लॉन्ग यानी कि क्लोव जो होता है वो इस तरह से आप चीनी के डब्बे में डाल दीजिए, तो चींटियां कभी भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टाइम पर हरी मटर बहुत आ रही है और इस टाइम पर मटर सस्ती भी होती है और गर्मियों में यही मटर बहुत महंगी मिलती है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एयर टाइटनर बॉक्स लेना है, इसमें सारी मटर आप स्टोर करके रख सकते हैं और ये फ्रोजन बन जाएगी, तो आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये 6 से 7 महीने आराम से चल जाती है। गर्मियों में मटर महंगी भी होती है और थोड़ी महक भी आती है, लेकिन इन मटरों में कोई भी महक नहीं आती है। जब भी आप इसे यूज़ करें, बस थोड़े से गुनगुने पानी में इसको डाल के रख दें और फिर जो भी स्मेल है ना, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इस मटर को स्टोर करके काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और इसका जो स्वाद होता है ना, वो भी अलग होता है जो कि मार्केट की जो पैकेट वाली मटर आती है उससे। तो दोस्तों, अगला टिप ये है कि इसी तरह से बहुत सारी किचन में प्लास्टिक की चम्मच आती हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं या फिर और भी चीज़ों के साथ ये चम्मच आती हैं, तो इनको हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, नमक में, मसालों में, हल्दी में, चीनी में, चाय पत्ती में, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी हमारे पैसे बचेंगे, हमको अलग से चम्मच खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। हमारी कुकिंग में प्याज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और सलाद में भी प्याज ही ज़्यादा खाया जाता है। तो जब भी आप फ्री हो तो आप इस तरह से प्याज छीलकर एक एयर टाइटनर जो बॉक्स होता है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से एक फ़ायदा और होगा, जब भी ठंडा रहेगा तो काटते समय ये आपकी आँखों में नहीं लगेगा और इसको आप 2 से 3 या 4-5 दिन के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा हैक एक और है कि जैसे आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको एक हल्की गुलाबी रंग की जो प्याज है वो दी जाती है खाने के साथ, तो उसे हम घर पर भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आपको फ्रेश बीटरूट का जूस लेना है और उस जूस को निकाल लीजिए और जो प्याज हमने काटे हैं, छीले हैं मतलब, उसको एयर टाइटनर बॉक्स में डाल के बीटरूट का जूस डाल के फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें विनेगर यानी कि सिरका डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एक हफ्ते तक। ये आपका जो प्याज है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और फ्रेश का फ्रेश रहेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। और देखिए, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट और होटल में गुलाबी रंग का प्याज मिलता है, ये भी प्याज एकदम वैसा ही हो गया घर पर बना हुआ। तो दोस्तों, हम अपनी
चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइज़र और बास्केट वगैरह जो है वो ख़रीदते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर और किचन में ही मिल जाती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन से या फिर कहीं और से भी आप कुछ सामान मंगवाते हैं तो आपको ना जो एक कार्डबोर्ड इस तरह से मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपको, आप अपनी चीज़ों को रखने में भी काम आता है ये। और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना आप रख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कार्डबोर्ड से मैंने अपने टावल और बेडशीट वगैरह रख दिए है, और ये जो मेरे पास इसमें मैंने फ्रूट्स मंगवाए थे तो इस वाले बॉक्स में फ्रूट्स वगैरह आया था। तो कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो कि बिखरे रहते हैं या फिर बॉक्स नहीं होता है, तो आप इस तरह से कार्डबोर्ड में उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो ये भी आपका फ्री कॉस्ट आपका एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप है, नींबू का रस हम अपने डाइट में यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन जो नींबू का छिलका होता है हम उसे यूज़ करने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो दोस्तों जितना विटामिन सी इस रस में होता है उससे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है वो नींबू के इन छिलकों में होता है, तो फेंकने से अच्छा है कि आप इनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने डिटॉक्स वाटर, जो इन्फ्यूज़ वाटर होता है इसके बारे में आपने सुना होगा, उसे आजकल ज़्यादातर लोग ले रहे हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डाइट को अच्छा हेल्दी रखने के लिए। तो दोस्तों इस डिटॉक्स वाटर को बनाने के लिए मैंने एक कांच की बॉटल ली है, उसमें पानी भर लिया है और जो भी लेमन के छिलके हैं उसमें डाल दिए हैं। जो भी आप लेमन के छिलके को इन्फ्यूज करके रखना है तो हमको लगभग 5 से 6 घंटे इस बॉटल को छोड़ देंगे। आप चाहे तो इस पानी को रात में भी बना के रख सकते हैं, मॉर्निंग में इसको पीना स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कि फ़ायदेमंद होता है। तो जो नींबू होता है ना उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको इन्फ्यूज़ करके पानी में रखने वाले हैं तो बिल्कुल भी गंदगी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको जो मेरा टिप है थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त हैक है, जब हम रोटी बनाते हैं तो जो बर्तन लेते हैं उसका यूज़ करते करते लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है जिसमें आटा कम और चोकर ज़्यादा रहता है, तो हम उसे फेंक देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है हम अपनी क्लीनिंग में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वही लास्ट वाला आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा विम बार सोप और थोड़ा सा मैंने उसमें सिरका डाल दिया है। विम बार सोप मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो लिक्विड वाला है वो मेरे पास नहीं था, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जो डेली आटा बच जाता है उसे आप अपनी क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें तांबा पीतल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, चमक आ जाती है और बहुत अच्छी से शाइन भी आती है, उसमें मेहनत भी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो जो आप मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके आप यूज़ करते हैं क्लीनिंग में तांबे पीतल को साफ़ करने में, तो इससे अच्छा है कि आप इस जो वेस्ट से अपने घर पर ही आसानी के साथ और झटपट ही अपने तांबे पीतल के बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं आपको बस हल्का सा रब करना है और तुरंत ही ये साफ़ होने लगता है, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है तो इसमें आपके हाथ भी सेफ रहते हैं, कोई डर नहीं रहता है कि हाथ में कोई रिएक्शन होगा, सभी चीज़ें एकदम ऑर्गेनिक ही हैं। इसमें आप अपनी क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका डेली बर्तन में थोड़ा बहुत आटा जो चोकर वाला बच जाता है उसको आप एक दूसरा कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप उसको स्टोर करते रहिए। जब भी आपका पूजा करते के टाइम के जो ये बर्तन धोते हैं डेली आप, तो इस तरह से आप बना के उस बर्तन को आप वॉश कर सकते हैं, तो इससे आपको बाहर का जो प्रोडक्ट है वो भी खरीदना नहीं पड़ेगा, घर पर ही इतना अच्छा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो कि मार्केट के प्रोडक्ट से अच्छी शाइन देता है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि जो तांबे का जो लोटा पहले कैसा था और अभी बिल्कुल कैसा, एकदम चमक सा गया है, बिल्कुल नया हो गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स एंड हैक्स की वीडियो, और अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो सब भी इनमें से कुछ टिप्स फॉलो कर सके, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉश करने के लिए।